वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज में आईबीसी के बारे में, और हमने लास्ट वीडियो में कवर किया बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स। उसमें हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम आगे बात करते हैं चैप्टर 6 में पार्ट 3 के, जो कहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी। तो हमने जैसे अपनी पुरानी वीडियोस में बात करी डीआरटी, तो यहाँ पे सेक्शन 179 में स्पेसिफाई किया गया कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए डीआरटी जो है वो होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हैविंग जुरिडिक्शन, जैसे कि एनसीएलटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और डीआरटी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था हमारा रिकवरी ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम बैंक्स एक्ट में। ये जो डीआरटी है काफ़ी टाइम ले रहा था सेटल करने में केसेस, ऑल दो गवर्नमेंट ने रिकवरी ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम बैंक्स रिपील कर दिया है, लेकिन जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बने थे उस एक्ट में, उनको यहाँ पे हमने आईबीसी में यूज़ कर लिया, और आईबीसी में ये डीआरटी देखेंगे इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। सो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास ज्यूरिडिक्शन होगा इंडिविजुअल डेटर के केस में, सारे क्लेम्स सब कुछ रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी सिर्फ डीआरटी ही देखेगा। सो सिविल कोर्ट्स के पास कोई राइट नहीं होगा इस केस में। और यहाँ पे कहा गया लिमिटेशन एक्ट, क्योंकि हम मॉरेटोरियम लगा रहे हैं, पहले इंटरिम मॉरेटोरियम लगाया फिर हमने मॉरेटोरियम लगाया, तो मॉरेटोरियम का पीरियड जो है लिमिटेशन एक्ट के पर्पस से उसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी लिमिटेशन एक्ट अगर कहता है कि 3 साल के अंदर अंदर मैं रिकवरी कर सकता हूँ, तो मॉरेटोरियम जिस पीरियड में था वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन एक्ट के पीरियड से। अब कहते हैं सिविल कोर्ट को कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होगी, तो सिविल कोर्ट की कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई इंजंक्शन नहीं दे सकता। अगर डीआरटी ने ऑर्डर पास कर दिया तो सिविल कोर्ट के पास कोई राइट नहीं होगा उस केस को एंटरटेन करने का। और अपील जो है डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, सो डीआरएटी में, डीआरएटी में अपील फाइल की जा सकती है। उसका टाइम दिया गया 30 डेज के अंदर अंदर, और 15 दिन का एक्सटेंशन भी दे सकता है डीआरएटी इफ सेटिस्फाइड, अगर उसको लगता है कि फॉर सफिशिएंट कॉज की वजह से, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, और एप्लीकेंट स्पेसिफाई कर देता है वो रीजन, तो उस केस में 15 दिन का और एक्सटेंशन मिल जाएगा। अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील फाइल की जा सकती है डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, लेकिन जो अपील फाइल होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए होगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते। टाइम लिमिट 45 डेज का है, एक्सटेंशन फिर मिल जाएगा 15 दिन का अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड है कि पर्सन वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशियंट कॉज, कोई ऐसा कॉज आप प्रूव कर देते हो कि मैं फाइल नहीं कर पाया, तो सुप्रीम कोर्ट 15 दिन का और टाइम दे सकता है। सेक्शन 183 में बात की गई एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। सो यहाँ पे डीआरटी और डीआरएटी का टाइम दे दिया कि आप इतने टाइम में ही एप्लीकेशन को कंप्लीट करोगे, एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, जैसे हमने बताया 14 डेज में डिसीजन लेना, और अगर डिले हो जाती है तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजन क्यों क्यों डिले हो रही है, चेयरपर्सन जो डीआरएटी का होगा उसको भी बताना पड़ेगा, और वहाँ पे एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, और 10 दिन से ज़्यादा की एक्सटेंशन नहीं मिल सकती जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है। सेक्शन 184 आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्शन 184 से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टी हैं। सो इसमें कहा गया पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देता है, झूठे क्लेम लगा देता है, तो उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट है 1 साल की या 5 लाख रुपए तक का फाइन है। अगर क्रेडिटर जो है वो कोलूट कर लेता है किसके साथ, डेटर के साथ, कि हम ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट या किसी प्रॉपर्टी को किसी तरीके से डिसऑनेस्टली सेटल कर लेंगे, उस केस में 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, जो भी बेनिफिट हुआ है उसका 3 गुना तक का पेनल्टी लग सकती है, या 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, यहाँ पे 2 साल की इम्प्रिजनमेंट, या जो भी डिफॉल्ट किया उसका 3 टाइम्स तक
पेनल्टी लगाई जा सकती है, और अगर वहां पे क्वांटिफाई नहीं हो पाता तो 5 लाख रुपए तक की अपर लिमिट दे दी है। सेक्शन 185 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजंस को तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना है मिनिमम, और वो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख रुपए तक, और उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट, 1 लाख का फाइन, वो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख तक। सेक्शन 186 बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और कंसीलमेंट बाय बैंकरप्ट। अब बैंकरप्ट जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता बैंकरप्सी ट्रस्टी को, या जो इसके केस में आरपी है जब इंसॉल्वेंसी में फाइल एप्लीकेशन लगी तो उस केस में ही शैल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट, वो एक्सटेंड हो सकती है 6 महीने तक, और फाइन हो सकता है 5 लाख रुपए, या दोनों भी लग सकता है। उसके बाद आता है फॉल्सीफाई करी, ऑल्टर करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई डेलिबरेटली आपने कोई चीज छुपाई, उस केस में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 1 साल की फाइन हो सकता है 5 लाख रुपए तक का। इसके बाद आता है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 140 और 141 में हमने डिस्क्वालिफिकेशन बताई थी कि वो पब्लिक जॉब नहीं ले सकता, पब्लिक सर्वेंट नहीं बन सकता, इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। 141 में हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, और अगर वो जैसे कि कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता या कोई नया वेंचर स्टार्ट करता है तो उसको कन्वे करना पड़ेगा मैसेज, सो अगर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की, 6 मंथ, और फाइन लग सकता है 5 लाख रुपीज तक का। अगर वो डिलीवर नहीं करता अपनी प्रॉपर्टी जो उसके पास थी, कंट्रोल पास ऑन नहीं करता, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ की अगेन, और फाइन हो सकता है 5 लाख रुपए तक का। फ्रेंड्स आपको ये एक टेबल बना के याद करना पड़ेगा कि किस सर्कमस्टांस में क्या पेनल्टी है और क्या इम्प्रिजनमेंट है। पेपर में अगर आप लिमिटेड इंसॉल्वेंसी के पेपर में जा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बैंकरप्ट ने डिफॉल्ट किया इस तरीके का तो उसको क्या पेनल्टी होगी, तो उसमें ऑप्शन दिया जाएगा 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, हैज फेल टू अकाउंट फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस विदाउट सेटिस्फेक्शन, तो अगर लॉस हो जाता है और वो बैंकरप्ट के एस्टेट पे इम्पैक्ट डालता है 12 महीने पहले तक का बैंकरप्सी एप्लीकेशन से, तो उस केस में 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि बैंकरप्ट ऐसा भी कर सकता है कि जानबूझ के, क्योंकि उसको पता है उसके हाथ से जा रहा है उसका एस्टेट, तो जानबूझ के कुछ लॉस इनकर कर दे तो उस केस में 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, और 3 टाइम्स ऑफ द लॉस वो उससे लिया जाएगा तो वो पेनल्टी लगेगी। अगर वो नहीं दे सकता 3 टाइम्स ऑफ द लॉस सस्टेन तो 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगी, अगर वो लॉस क्वांटिफाइबल नहीं है तो 5 लाख की अपर लिमिट लगा दी। आगे बढ़ते हैं, अगर वो एब्सकॉन्ड हो गया है, इन केस बैंकरप्ट भाग जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, उस केस में 1 साल की सजा, 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। और बैंकरप्ट शैल डीम टू हैव बीन एब्सकॉन्डेड इफ ही लीव्स और अटेम्प्ट टू लीव द कंट्री विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। सो ये मान लिया जाएगा, अगर वो ट्राई करता है भागने की इंडिया छोड़ के, तो मान लिया जाएगा कि वो एब्सकॉन्ड है और उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी और उसको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाएगा 1 साल की। सेक्शन 187 बात करता है कॉन्ट्रावेंशन फॉर सर्टेन एक्शंस। सो बैंकरप्सी ट्रस्टी अगर कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है, मिस अप्लाई करता है जो एस्टेट्स में उसके पास पैसा आया, मनी प्रॉपर्टी वगैरह, सो और विलफुली एक्टेड इन अ मैनर जहाँ की बैंकरप्ट को लॉस हो जाता है, तो ही शैल ऑल्सो बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स। तो ये याद रखना फ्रेंड्स कि 3 गुना हो जाता है हमेशा फाइन, जो भी आपने डिफॉल्ट करा उसका 3 गुना फाइन हो जाता है। अगर क्वांटिफाइड नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, मोस्टली केसेस में 5 लाख रुपीज का है जहाँ पे क्वांटिफाई नहीं किया गया। अगर बैंकरप्टी ट्रस्टी जो है शैल नॉट बी लायबल, अगर ऐसी सर्कमस्टांसिस है कि बैंकरप्टी ट्रस्टी अपने आप को प्रूव कर देता है कि उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि इस वजह से उसने इस तरीके से एक्ट किया, तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट 4 में आती है रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो फ्रेंड्स हम बात कर चुके हैं प्रोफेशनल एजेंसीज के बारे में और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में,
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बारे में भी बात कर चुके हैं हम, तो अब हम बात करते हैं कोड में क्या लिखा गया, आगे इनके लिए अलग से रेगुलेशंस भी बनाई हुई हैं आईबीबीआई में। तो हम अभी बात कर रहे हैं सेक्शन 188 जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के बारे में बात करता है। और बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट बताएगी। ये ऑलरेडी बन चुका है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जैसा कि हम जानते हैं। और बोर्ड जो होगा वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा, उसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, ये क्योंकि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनाया है, स्टैट्यूट में बनाया है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं होगा क्योंकि ये दिस इज फॉर्म्ड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बैंक्रप्सी कोड में बना है। और ये प्रॉपर्टी और किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। हेड जो होगा, हेड ऑफिस जो होगा वो बोर्ड का एनसीआर में होगा जो कि न्यू दिल्ली में है। और बोर्ड जो है किसी भी तरीके का और ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड क्या होगा, सेक्शन 189 में कहते हैं बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चेयरपर्सन बनाएंगे, 3 मेंबर बनाएंगे, कौन बनाएंगे, 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट इस रैंक के ऑफिसर्स होंगे, जो मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स रह चुके हैं वो मेंबर होंगे बोर्ड के, और 1 मेंबर आरबीआई नॉमिनेट करेगा, 5 अदर मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर्स। तो फ्रेंड्स ये जो है पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन मेंबर हो सकता है, 5 मेंबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, तो 1, 2, 5, 7 इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। चेयरमैन एंड दी अदर मेंबर्स शैल बी पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, ऐसा नहीं कि किसी को भी बना दिया, सो उनका पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उन्होंने कोई पॉलिसी फॉर्मेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट इम्प्लीमेंट कराने में, फाइनेंस इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन किसी में उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी हम उसको चेयरपर्सन या होल टाइम मेंबर बनाएंगे इस बोर्ड का। सो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द बोर्ड अदर देन द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स ऑफिशियो अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय ऑब्टेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी कौन सी होगी, वो उसकी रिकमेंडेशन के बाद। सो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, चेयरपर्सन सेक्रेटरी होगा, और चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड होगा, 3 एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, लॉ मैनेजमेंट इंसॉल्वेंसी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होंगे। तो इनकी कमेटी जो है वो रेकमेंड करेगी कि इनको बना दो, तब बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड का कॉम्पोजिशन काफ़ी नॉलेजेबल और सीनियर लोग हैं जो कि बोर्ड के मेम्बर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। तो 5 साल का टाइम दिया गया, 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन में, 65 ईयर्स की जो है अपर एज लिमिट है, इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अगर 5 साल का टेन्योर है, अगर 60 में अपॉइंटमेंट हुआ तो 65 तक रहेंगे, अगर 62 में हुआ तो 3 साल तक रहेंगे, लेकिन रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है उनका रीअपॉइंटमेंट भी कर सकती है जो सिलेक्शन कमेटी है, अगर उनको लगता है कि जरूरत है। सैलरी और अलाउंस के लिए अलग से इसके लिए रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, यहाँ पे कहा एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एंड में आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे रूल्स बना सकती है और बोर्ड जो है किन किन चीज़ों पे रेगुलेशन बना सकता है, तो इसके लिए ऑलरेडी रूल बने हुए हैं, वहाँ पे इनके सैलरी और रेम्यूनरेशन डिस्कस किया गया। सेक्शन 190 में बात करते हैं रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम द ऑफिस। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मेंबर जो है वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज ना कर पा रहा हो सही से, या डिसक्वालीफाई हो गया हो, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो रिमूव का किन सर्कमस्टांसिस में किया जाएगा, अगर वो अनडिस्चार्ज बैंक्रप्ट है, फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल हो जाता है, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो जाता है मॉरल टर्पिट्यूड का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बताएगी कि कौन से ऑफेंस के केस में हम ये बोर्ड के मेंबर को हटा देंगे। और हैज़ अब्यूज हिज पोजिशन, और उसने मिसयूज़ किया है, दैट इज़ डिट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। सो इस इन सर्कमस्टांसिस में बोर्ड के मेंबर को रिमूव भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और नो मेंबर शैल बी रिमूव्ड अनलेस एन अपॉर्चुनिटी, तो ये तो हमें देनी ही है, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसको। सेक्शन 191 में पावर की बात की गई चेयरपर्सन की, सो चेयरपर्सन जो होगा वो लीड करेगा बोर्ड को, सो उसके पास सारी पावर होंगी, पावर्स ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन
of the affairs of the board and also exercise such other power as may be delegated. So delegated फिर अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कि बोर्ड बनाया है, बोर्ड को कौन सी पावर दी गई है वो उसके लिए रेगुलेशन है कि, और चेयरपर्सन की क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी. अब आते हैं 192 में मीटिंग. मीटिंग जो है वो सच टाइम्स एंड प्लेसेस, ये भी इसके लिए भी अगेन रूल्स बनाए जाएंगे किस तरीके से काम होगा, कहाँ कहाँ होगा, कितनी मीटिंग्स होंगी, सब रूल्स बनेंगे. सेपरेट रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से ही काम हो रहा है. और चेयरपर्सन फॉर एनी रीजन द चेयरपर्सन इज अनेबल टू अटेंड, अगर चेयरपर्सन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता तो जो मेंबर होगा आपस में चूज कर लेंगे किसको चेयरपर्सन बनाना है उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए. और जनरली सीनियर मेंबर जो होता है वो चेयरपर्सन बन जाता है उसकी चेयरपर्सन की एब्सेंस में. ऑल क्वेश्चन विच कम अप बिफोर एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट. सो जो भी मैटर होगा वो मेजोरिटी डिसाइड करेगी. सपोज 10 मेंबर हैं तो मेजोरिटी क्या होगी, 6 मेंबर. अगर 5-5 हो जाते हैं तो इक्वालिटी हो जाती है, तो चेयरपर्सन जो होगा उसका कास्टिंग वोट होगा, वो एक्स्ट्रा वोट देके डिसीजन ले सकता है. सेक्शन 193 में मेंबर नॉट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स, मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. कब नहीं करेंगे, अगर उसका कोई किसी तरीके का इंटरेस्ट आ जाता है, किसी तरीके से वो रिलेटेड बन जाता है तो मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा मीटिंग में. सेक्शन 194 कहता है वैकेंसी इज नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग. अगर वैकेंसी हो जाती है तो प्रोसीडिंग्स जो हैं बोर्ड की वो चलती रहेंगी, वो इनवैलिडेट नहीं होगी. और वैकेंसी किसी भी रीजन से हो सकती है, डिफेक्ट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड. अगर जो बोर्ड बनाया इस तरीके से बनाया कि इतने मेंबर होंगे, अगर वो पूरे मेंबर नहीं आ पाते तो आईबीसी में लिख दिया कि अगर डिफेक्ट हो जाता है कि बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो इनवैलिडेट नहीं होंगी, वो प्रोसीडिंग्स तो रहेंगी. और एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एक्टिंग एज ए मेंबर, अगर कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से हम प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट नहीं करेंगे, प्रोसीडिंग्स तो बॉस रहेंगी सही. और अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है छोटा मोटा तो उसको इग्नोर कर देंगे. एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर, तो इस तरीके से के सरकमस्टांसिस में हम प्रोसीडिंग्स जो मीटिंग हुई जो बोर्ड ने डिसीजन लिया उसको इनवैलिडेट नहीं करेंगे. बोर्ड में अपॉइंट सच अदर ऑफिसर, बोर्ड को पावर दी गई और नेसेसरी ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं जो कि पूरी हायरार्की बना सकते हैं ताकि ये पूरा का पूरा बोर्ड का काम हो सके. और सैलरी और अलाउंस जो है वो एज पर दी रेगुलेशंस जो बनाई जाएंगी आईबीबीआई बनाएगा उसमें पे की जाएगी. तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी रख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्टाफ चाहिए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं सेक्शन 195 में पावर टू डेजिग्नेट फाइनेंस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि जब तक कि हमारा आईबीबीआई नहीं बनता तो किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर सच एज आरबीआई और सेबी को बना दें. लेकिन आईबीबीआई बन गया तो आईबीबीआई को ही बोर्ड ने ही ये इनिशिएट किया. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड चैप्टर 2 में आ जाती हैं. सेक्शन 196 पावर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के पास पावर होगी जनरल डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्शन लेगी और रजिस्टर करेगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यूटिलिटी, और इनका रिन्यूअल, विड्रॉल, सस्पेंशन, कैंसिलेशन, ये सब बोर्ड के पास पावर होगी. तो बेसिकली हमें बोर्ड ने क्या देखना है, बोर्ड ने देखना है पहला रोल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. एजेंसी कौन होंगी, जिसके पास इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो मेंबर बनेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मेंबर होगा और फिर बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन कराएगा. तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज रजिस्टर करेंगी इनको. तो फिलहाल के लिए 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, 3 इंस्टीट्यूट जो हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, उन्होंने ही 3 एजेंसीज बना रखी हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. सो फ्रेंड्स अराउंड 3000 प्लस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं आईबीबीआई के पास. और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, सो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक ही है NESL, नेशनल ई सर्विसेज लिमिटेड, जो कि सारा का सारा डेटाबेस मेंटेन करती है, रिपोजिटरी का काम करती है. तो इनके रिन्यूअल, विड्रॉल, सस्पेंशन, कैंसिलेशन सबको रेगुलेट करेगी. और इसके बाद IBBI जो है, बोर्ड जो है वो प्रमोट करेगा डेवलपमेंट और रेगुलेट करेगा वर्किंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से रिटर्न्स मंगाएगा किस तरीके से काम कर रही हैं एजेंसीज, कैसे काम कर रही हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, कैसे काम कर रही हैं, ताकि हमारे ये जो IBC हमने बनाया कोड का पर्पज़ फुलफिल हो.
स्पेसिफाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट. अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और प्रोफेशनल्स और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस तरीके से क्या फीस होगी, कितना चार्ज करा जाएगा इनसे फीस, एनुअल फीस कितनी होगी, एप्लीकेशन किस तरीके से होगी, और इनको कब कब रिटर्न फाइल करनी है, कब कब रिपोर्ट करना है, वो सारी रेगुलेशंस बोर्ड बनाएगा. तो लेवी फीस एंड सच अदर चार्जेस, कितनी फीस होगी, जैसे कि हमारे को एनुअल रिटर्न एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यू हैव टू फाइल एन एनुअल रिटर्न, और एनुअल रिटर्न में 0.25% का आपका रिसीट्स का वो आपको पे करना है. उसके बाद आपको एनुअल मेंबरशिप फीस भी है, एनुअल मेंबरशिप फीस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज की है, बोर्ड को भी आप जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पे भी फीस है. स्पेसिफाई बाई रेगुलेशन स्टैंडर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. सो फंक्शनिंग डिफाइन करेगी. सो कोड में ही मॉडल बाईलॉज बने हुए हैं IPA के, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के, तो वो अडॉप्ट करेंगे इंसॉल्वेंसी और ये रेगुलेट करेगी, रेगुलेशन बनाएगी ताकि ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसी जो हैं वो ठीक से काम करें, इनको ओवरसी करेगी. ले डाउन द रेगुलेशन मिनिमम करिकुलम, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, कौन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, IBPI खुद कराएगी या किसी अथॉरिटी को, किसी यूनिवर्सिटी या अथॉरिटी को देगी, किस तरीके से एग्जाम होगा, उसका सिलेबस कैसे होगा. उसके बाद इंस्पेक्शंस एंड इन्वेस्टिगेशन कर सकती है किसी का भी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, यूटिलिटी या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का इंस्पेक्शन कर सकती है और देख सकती है कि वो एज पर दी कोड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. मॉनिटर द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकती है. सच अदर इंफॉर्मेशन जो उसको लगता है, पब्लिश सच इंफॉर्मेशन और डेटा, रिसर्च स्टडी, वो सब मंगा सकती हैं. स्पेसिफाई द रेगुलेशंस, किस तरीके से रेगुलेशंस के हिसाब से डेटा स्टोर होगा IU के पास. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ताकि जो हमारा कोड है उसका पर्पस फुलफिल हो, तो ये सारी पावर्स दी गई बोर्ड को. इसके बाद आते हैं बोर्ड में मेक ए मॉडल बाईलॉज टू बी अडॉप्टेड बाई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. तो बोर्ड ने एक मॉडल बाईलॉज बनाए हैं जो कि एजेंसी को अडॉप्ट करने हैं और एजेंसी अकॉर्डिंगली इसको अमेंड करके अडॉप्ट कर सकती है. सो मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या होगा, प्रोफेशनल इथिक्स, कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ एजेंसीज कौन कौन बनेंगे, सो सारे बायलॉज जो हैं और वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को. फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये इसमें जेंडर और प्लेस, बर्थ और कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जब हम मेंबरशिप देंगे. तो यहाँ पे लिखा गया कि मैनर ऑफ ग्रांटिंग, किस तरीके से मेंबरशिप दी जाएगी, किस तरीके से मेंबर बनेंगे, क्लासेस किस कौन कौन सी होंगी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में काम करेंगे. तो इस तरीके से ये सारी मॉडल बायलॉज में काम करेंगे. आगे बढ़ते हैं सेक्शन 197, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड अदर कमेटी. सो बोर्ड जो है इस तरीके की कमेटी बनाएगा ताकि ड्यूटीज जो हैं वो डिस्चार्ज कर पाए. तो एडवाइजरी, ये भी फ्रेंड्स पेपर में आ जाता है कि कौन कौन सी कमेटीज हैं. आउट ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय IBBI. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है. आगे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, सो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, अगर बोर्ड जो है कोई परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो कॉन्डोनेशन के लिए फाइल कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है. चैप्टर 3 में बात की गई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के बारे में. सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो होंगी वो एक्ट करेंगी, सपोर्ट करेंगी बोर्ड को और बोर्ड के पास रजिस्टर कराएंगी और उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बोर्ड से. सो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है. प्रिंसिपल गवर्निंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, प्रमोट करने का पर्पज़ होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, सर्विसेज कॉम्पिटेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को प्रमोट करने का, प्रमोट गुड प्रोफेशनल एंड इथिकल कंडक्ट प्रमोट करने का, तो मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर और ग्रोथ ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो है वो प्रमोट करेंगी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को. सेक्शन 201, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो होगी वो रजिस्टर करेगी, कैसे करेगी बताया जाएगा, कितनी फीस होगी बताया जाएगा,
और ये बताया गया हमने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज की रेगुलेशन बनी, बोर्ड ने बनाई है, 7 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन जो है बोर्ड एक्नॉलेज करेगा। इस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है बोर्ड के पास और उसके बाद काम शुरू करना है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया फ्रेंड्स इसमें कि बॉडी कॉर्पोरेट ही हो सकती है। पर्पस उसका बताया गया कि इन प्रमोशन के लिए, आईबीसी के प्रमोशन के लिए एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स, आईपी मेंबर्स, तो इन सब पर्पसेस के लिए ये बन सकती है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ले और रजिस्टर कर ले आईपी, ऐसा नहीं हो सकता। बोर्ड जो है सर्टिफिकेट देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा वो भी रेगुलेशन में डिफाइंड है। अगर कोई फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन और कुछ गड़बड़ करके लेना चाहता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाने का भी प्रोविजन है। अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अगर बोर्ड रिजेक्ट करना चाहता है तो, क्यों रिजेक्ट कर रहा है। अपील फाइल की जा सकती है ऑर्डर के अगेंस्ट, अगर सपोज आईपीए ने एप्लीकेशन लगाई रजिस्ट्रेशन के, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया और तो अपील फाइल कर सकते हैं एनसीएलएटी के पास। यहाँ पे एनसीएलटी नहीं, एनसीएलएटी है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आता पेपर में। एनसीएलएटी के पास अगर आईपीए की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो अपील किसके पास फाइल करेगा, तो ऑप्शन में दे देते हैं आईबीबीआई के पास, एनसीएलटी के पास, एनसीएलएटी के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, तो गवर्निंग बोर्ड बनाएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी भी एक बोर्ड बनाएगा जिससे कि वो उस कंडक्ट कर पाए अपना एक्टिविटीज को। फंक्शंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, उसके क्या फंक्शन होंगे, मेंबरशिप देगा, ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ इट्स मेंबर, मॉनिटर द परफॉर्मेंस, सेफगार्ड राइट, सस्पेंड, कैंसिल, रिड्रेस ग्रेवियंसेज, पब्लिश इंफॉर्मेशन। सो ये सारे हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के फंक्शंस होंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी टू मेक बायलॉज, तो मॉडल बायलॉज आईबीबीआई ने बनाए, उन्हीं को अडॉप्ट करेगा, उसमें जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स होंगी वो करके मॉडल बायलॉज बनाएगी आईपीए। इसके बाद आता है फ्रेंड्स चैप्टर 4, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एनरोलमेंट करना है और रजिस्टर करना है आईबीबीआई और आईपीए के पास। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें मेंबर बनना है आईपीए का और रजिस्ट्रेशन कराना है बोर्ड का, बोर्ड के पास। तो यहाँ पे दो चीज़ें करनी है, आईपी तभी माना जाएगा, आईपी बन गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, सो अगर आप क्वालिफाई होते हो, आप के पास नेसेसरी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम पहले पास करना पड़ता है, एग्ज़ाम पास करके सच फीस एंड एज में भी स्पेसिफाइड कितनी फीस होगी वो फाइल करके सबसे पहले आप मेंबर बनोगे और आईपीए आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करेगा बोर्ड के पास और बोर्ड से बोर्ड इसको आपको रजिस्टर करेगा अगर सब चीज़ें ठीक होती हैं तो। बोर्ड जो है कैटेगरी बताएगा प्रोफेशनल्स की, क्या क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तभी आप एलिजिबल हो, तो किस स्ट्रीम में आपके पास एक्सपीरियंस है। सेक्शन 208 क्या था, फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सो ये सारे फंक्शंस हैं, फ्रेश स्टार्ट इंसॉल्वेंसी आईआरपी बन सकता है, सीआईआरपी की जो प्रोसीडिंग्स है इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल की जो है लिक्विडेशन करा सकते हैं। तो इन सारे जो रोल्स हैं ये सब आईपी प्ले करेगा और आईपी जो है रीजनेबल केयर एंड डेलीजेंस के साथ काम करेगा, कंप्लाई करेगा रिक्वायरमेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को, डॉक्यूमेंट पास ऑन करेगा या उनको इंस्पेक्शन करने देगा इस तरीके से। चैप्टर 5 में आ जाता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, सो नो पर्सन टू फंक्शन एज एन आईयू। आईयू क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, आईयू डेटाबेस मेंटेन करता है, सारा का सारा डाटा आईयू के पास होता है। जब एप्लीकेशन लगाई जाती है तो आईयू के डेटाबेस के बेसिस पे उसको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है और वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सपोज बैंक ने आपको लोन दिया और बैंक जब लोन दे देता है, सपोज आपको 100 रुपीज का लोन दिया, अब बैंक की एप्लीकेशन आईयू के पास फाइल कर देता है, उसको रिटर्न फाइल करनी होती है सबकी, जिस भी पार्टीज को लोन दिया और रीपेमेंट जो आ रही है, सपोज आपने 10 रुपीज वापिस पे कर दिया तो बैंक अपडेट करेगा आईयू को, अगर आप आगे बैंक को 90 रुपीज पे नहीं करते तो बैंक आपके ऊपर एप्लीकेशन लगा देगा, बैंक आपके ऊपर एप्लीकेशन फाइल करेगा सेक्शन 7 में कि भाई मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूँ, आप लोन रीपे नहीं कर रहे, और बैंक साथ में आयू का रिकॉर्ड, क्योंकि आयू के पास वो फाइल करता आ रहा था पहले, आयू का रिकॉर्ड दे देगा और आयू के रिकॉर्ड को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, उसको गलत प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक टाइमली आयू के पास रिकॉर्ड फाइल कर रहा था और आयू आपको भी स्टेटमेंट भेज रहा था।
तो ये था पर्पस। तो आयु अभी फिलहाल NESL है, तो अभी फिलहाल पुराना डाटा नहीं मिल पाता क्योंकि अभी रिसेंटली ही IBC बना है, 2017 से इफेक्टिवली स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही आयु बना, और आयु के पास अभी पुराना हिस्टोरिकल डाटा नहीं है। रजिस्ट्रेशन होगा आयु का, आयु भी अगेन वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी, रजिस्ट्रेशन कराएगी, फीस और वो सब रेगुलेशंस में, अगेन आयु की भी रेगुलेशन बनाई बोर्ड ने, और 7 दिन के अंदर इनको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, फिर ये अप्लाई करेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, रिजेक्ट भी कर सकता है बोर्ड एप्लीकेशन, और ए वंस रजिस्टर्ड जो है वो बोर्ड उसको कंट्रोल करेगा, सारी रिटर्न्स लेगा, इंस्पेक्शन भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आयु की है। अगर अपील फाइल करनी है, अगर आयु की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, NCLAT में अपील जाएगी, और गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का भी, जैसे IPA का बोर्ड है, इस तरीके से आयु का भी बोर्ड होगा, और कोर सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे वो कोर सर्विसेज उसकी फीस चार्ज करेंगे। सपोज मुझे कोई डेटाबेस निकालना है, जैसे मैं क्रेडिट स्कोर जानना चाहता हूँ, तो सिबिल के पास मैं जाता हूँ, सिबिल कहता है मुझे फीस दो, इस तरीके से आयु को भी आपको फीस देनी पड़ेगी अगर आप कोई इंफॉर्मेशन आयु से पुल करना चाहते हो। तो ऑब्लिगेशन ऑफ आयु, आयु की ड्यूटी होगी क्रिएट एंड स्टोर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, बेसिकली ये रिपोजिटरी का काम करेगा, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आयु के पास होगी। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ये भी बताया जाएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे सबमिट करी जाएगी, इंटेंट टू सबमिट, अ पर्सन हु इंटेंट टू सबमिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद आयु, उसके पास फीस पे करेगा और सबमिट करेगा, वो सबमिशन के बाद आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो फ्यूचर में कभी भी। राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन सबमिटिंग, सो पर्सन हु इंटेंट टू अपडेट और मॉडिफाई रेक्टिफाई एरर इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ही में ऑल्सो अप्लाई और पे सच फीस एज मे बी स्पेसिफाइड, वो फीस पे करके आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो या सबमिट कर सकते हो, अगर गलत है तो अपडेट भी कर सकते हो। चैप्टर 6 में आता है इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, सो कंप्लेन्स अगेंस्ट एजेंसी और मेंबर, मेंबर कौन हो गए, IP और IU, इन सब के अगेंस्ट अगर कोई आपने फाइल करनी है एप्लीकेशन, कंप्लेन है, आप डिससेटिस्फाइड हो, सो एग्रीव्ड हो आप, सर्विसेज आपको ठीक नहीं लगी, आपने अप्लाई करा था और उन्होंने फीस ले ली और आपको सर्विसेज नहीं दी, तो वो एप्लीकेशन किस फॉर्म में, फॉर्मेट में जाएगी, एप्लीकेशन जाएगी बोर्ड के पास, और वो सब स्पेसिफाई किया गया। सेक्शन 218 में आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ IPA, IPs और IU, सो बोर्ड अगेन इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, बोर्ड आपके पास आ सकता है, देख सकता है आपके रिकॉर्ड्स, और आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है आपने ऐसा क्यों करा, और वो भी बताया जाएगा, उसकी भी अगेन अलग से रेगुलेशंस बनी है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या है, वो डिटेल रीजन मांग सकती है आपसे, कि आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन मांग सकती है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि आप गिल्टी हो, आपकी इंक्वायरी कर सकता है, कोई रिकॉर्ड सीज कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स या कोई इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपनी कस्टडी में ले सकती है बुक्स वगैरह। सो फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बोर्ड की होगी, जो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट बोर्ड ने बनाया, और बोर्ड इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी को भी, आइदर IPA को और IP को और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को। शो कॉज नोटिस दिया जाएगा किसी को भी, IPA मेंबर IP को या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को, बोर्ड जो है शो कॉज नोटिस दे सकता है और डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। डिसिप्लिनरी कमेटी होगी बोर्ड की, सो डिसिप्लिनरी कमेटी जो बनाएगा वो देखेगा कि इंस्पेक्शन हुआ या इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसकी रिपोर्ट, उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी IP या IPA से, और उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करेगी कि वो गिल्टी है या नहीं है और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, उसका लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं या पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। वेयर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी IP और IU हैज कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजन, अगर किसी ने कॉन्ट्रावीन किया है तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे भी फाइन का दिया गया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, जो लॉफ अनलॉफुल गेम है और या लॉस हुआ है किसी को, तो उसका 3 टाइम्स लगा सकते हैं पेनल्टी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और जो हाईएस्ट पेनल्टी होगी वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, शैल नॉट एक्सीड 1 करोड़।
इसके बाद फ्रेंड्स, अगर बोर्ड के पास पावर दी गई, बोर्ड डायरेक्ट कर सकता है कोई अनलॉफुल गेन, उसको रिवर्स करने के लिए किसी पार्टी को, किसी ने लॉस सफर करा है तो उसको रिस्टोर करने के लिए, डिसजॉर्ज करने के लिए लोन, और बोर्ड को पावर दी गई कि बोर्ड रेगुलेशन भी बना सकता है स्पेसिफाई करने के लिए कि किस तरीके, क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से लॉस हुआ है किसी को रिवर्स होगा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 7, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑडिट। सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी बोर्ड को, बोर्ड को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए तो बोर्ड को ग्रांट मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी और एक बोर्ड फंड बनेगा। बोर्ड के फंड में सारी की सारी ग्रांट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी उस फंड को कहेंगे फंड ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये फंड में ग्रांट्स आएंगी, सारी की सारी फीस जो भी चार्जेस हैं, और बोर्ड ने अगर कोई पेनल्टी वगैरह लगा रखी हैं, वो पेनल्टीज जो रिकवर करी बोर्ड ने और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिले, वो सब इस बोर्ड के फंड में आएगा। और ये फंड किस लिए यूज होगा, सैलरी अलाउंस एक्सपेंस करने के लिए, सारा का सारा चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। और इसका अकाउंट्स और ऑडिट कौन करेगा, बोर्ड जो है प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगा और CAG इसका ऑडिट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट करेगा। और अकाउंट्स ऑफ बोर्ड जो ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट देगा, किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट में, शैल बी लेड डाउन इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्ट 5 में आता है मिसलेनियस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। सो फंड जो है ग्रांट, इसमें लिखा हुआ क्या डिपॉजिट हुए, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड और अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो इस तरीके से सारा का सारा पैसा फंड में आता जाएगा। और किसी पर्सन ने, यहाँ पे ये भी लिखा गया, किसी पर्सन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया फंड में, तो अगर उसकी एप्लीकेशन लग जाती है NCLT या DRT में, तो वो उतना अमाउंट जो उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था वो वहाँ से विड्रॉ भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी और उसकी गाइडलाइंस भी बताएगी। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज हमने बोर्ड को बना दिया और बोर्ड को पावर दे दी बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर बोर्ड गड़बड़ करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी बोर्ड को, ऐसा नहीं कि बोर्ड ओवर पावर कर ले। तो बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है डायरेक्शन बोर्ड को, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड बोर्ड इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बोर्ड सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि बोर्ड का पार्ट बन जाएंगे। ऐसा माना जाएगा कि बोर्ड चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है और बोर्ड के मेंबर्स को सस्पेंड कर सकती है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। सो ये सेक्शन इसलिए डाला गया फ्रेंड, जब तक बोर्ड नहीं बनता तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई किसी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर को, तब तक के लिए जब तक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता तब तक के लिए नॉमिनेट कर दे कि वो, जैसे कि RBI और SEBI को बना दे कि वो बोर्ड के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बोर्ड है अब जरूरत नहीं है, इस सेक्शन का रेलेवेंस खत्म हो गया। बजट जो होगा, बोर्ड बजट प्रिपेयर करेगा और प्रपोज करेगा कि हमारे को इतना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का इतना खर्चा होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स लेगा। एनुअल रिपोर्ट, सो बोर्ड एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और वो कॉपी देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और वो प्रेजेंट होगी पार्लियामेंट में। अब बोर्ड को डेलीगेट की जाएगी पावर, क्योंकि ऑफिसर्स जो होंगे बोर्ड उनको डेलीगेट भी कर सकता है, तो किसी को बना सकता है चेयरपर्सन, किसी को होल टाइम मेंबर, और उसको पावर डेलीगेट कर सकता है, बोर्ड के पास पावर होगी। जो बोर्ड की पावर है, बोर्ड का चेयरपर्सन या बोर्ड के और मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स, वो डेलीगेट कर सकते हैं पावर या किसी डिपार्टमेंट को जो कमेटीज बनाई उनमें। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया सेक्शन 231 में कि कोई सिविल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होगी, सिविल कोर्ट कोई एंटरटेन नहीं करेगा, जहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT, DRT या IBBI ने जो डिसीजन ले लिया उसको सिविल कोर्ट्स कैंसिल नहीं कर सकते, किसी तरीके का इंजंक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते। मेंबर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द बोर्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। सो जो भी मेंबर स्टाफ होगा वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 233 में कहा गया प्रोटेक्शन और एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सो फ्रेंड, यहाँ पे अगर कोई भी एक्शन किसने लिया, बोर्ड ने लिया, किसी एम्प्लॉई ने लिया, एम्प्लॉई ऑफ द बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर ने, या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने लिया,
या फिर एज ए लिक्विडेटर लिया, तो जो भी एक्शन लिया अगर उसने गुड फेथ में लिया तो उस एक्शन के अगेंस्ट कोई सूट और प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती। सपोज किसी ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल सूट या प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट कर सकते। सिमिलरली लिक्विडेटर या आईपी एज ए जब आरपी बना, उसने कोई डिसीजन लिया तो उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकते। ऑल्दो उसकी कंप्लेन की जा सकती है, बोर्ड के पास आप जा सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो आईपी के अगेंस्ट, लेकिन आप सिविल सूट या कोई प्रोसीडिंग्स या कोई उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन या कोई लीगल एक्शन नहीं होगा अगर उसने गुड फेथ में काम किया। सेक्शन 234 में बात की गई एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्योंकि अगर एक कंपनी काम कर रही है और वो इंसॉल्वेंसी में आ गई और उसके एसेट्स बाहर भी पड़े हैं और किसी कंट्री में भी पड़े हैं, तो सेंट्रल यहाँ पे पावर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर सकती है अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ ताकि हमारे को रिकवरी में आसानी हो। सो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कंट्री आउटसाइड इंडिया इन सर्टेन केस, जहाँ पे आपका अग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है वहाँ पे आप पर्सनल गारंटर या कॉरपोरेट डेटर अगर बाहर है तो वहाँ पहुँच के आप उसके एसेट्स पे पोजेशन ले सकते हो उस एसेट्स का। पनिशमेंट अगर नो स्पेसिफिक पेनल्टी, अगर कहीं और पेनल्टी नहीं दी गई तो 2 करोड़ रुपए, 1 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है अगर किसी प्रोविजन में कोई पेनल्टी नहीं दी गई। सेक्शन 235A में यहाँ पे 1 लाख से 2 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 236 में बात की गई ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस बाय स्पेशल कोर्ट ओनली, सो यहाँ कहा गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC, और जो सारे के सारे ट्रायल्स होंगे ऑफेंसेस होंगे वो स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कौन कौन से हैं? DRT, DRAT, NCLT, NCLAT, ये यही कोर्ट एंटरटेन करेंगे, और जो इन कोर्ट ने डिसीजन ले लिया कोई और कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता, उसको इंजेक्शन नहीं दे सकता कोई और कोर्ट। और इन कोर्ट्स के पास पावर होगी CRPC की पावर होगी, और जो कोर्ट होगा डीम टू बी सेशन कोर्ट, मान लिया जाएगा कि ये स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट है और जो जज है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। अच्छा, अब इसमें आगे बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या बोर्ड के ऑफिसर होंगे उनको पर्सनली ही अपियर होने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि उसको स्पेसिफिकली कहा गया, तो वो उनके बिहाफ पे उनका एडवोकेट भी अपियर हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे 237 में पावर दी गई हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ऑल दो बीच में आके एंटरटेन कर सकता है लेकिन उसकी लिमिट जो है उस ज्यूरिडिक्शन के लिए, सपोज दिल्ली में है तो दिल्ली में अगर NCLT ने ऑर्डर दिया या NCLAT में दिया तो हाई कोर्ट में भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो लेकिन वो दिल्ली में ही लगेगी। अगर चंडीगढ़ में एप्लीकेशन DRT ने या NCLT ने दिया तो दिल्ली हाई कोर्ट में फिर नहीं लगा सकते आप एप्लीकेशन। सेक्शन 238 क्या आता है? ओवरराइडिंग इम्पैक्ट। सो यहाँ लिखा गया प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंड इन एनी अदर लॉ, सो दिस हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर ऑल दी लॉज, सो दिस इज सुपीरियर लॉ देन ऑल दी अदर लॉ, यहाँ पे ओवरराइडिंग इम्पैक्ट डाल दिया। फिर 238 में डाला है लिमिटेशन, और लिमिटेशन का पीरियड जो है जहाँ पे केस चल रहा है वो अप्लाई होगा, यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT या DRT के पास केस चल रहा है तो वो लिमिटेशन का पीरियड अप्लाई होगा। उसके बाद आते हैं 239, पावर दी गई टू मेक्स रूल्स, जैसे हमने बात करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है रूल्स बना सकते हैं, रूल्स के लिए हमने जगह जगह कहा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सब फॉर्म्स मैनर किस तरीके से रेम्यूनरेशन, जैसे हमने बात करी जो बोर्ड होंगे IBBI के स्टाफ का उसके लिए रूल्स बना सकती है, ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। फिर पावर दी गई हमें IBBI बोर्ड को रेगुलेशंस बनाने की, तो ये सारे पॉइंटर्स हैं फॉर्म किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल CIRP रेगुलेशंस, तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किस तरीके से गवर्न होगी, मीटिंग्स कैसे होंगी, उसके लिए रेगुलेशंस बनाई बोर्ड ने, तो हमने ये सारे पॉइंट दे दिए बोर्ड को कि बोर्ड इन सब पॉइंट्स पे रेगुलेशन बना सकता है, और बोर्ड ने काफ़ी सारी रेगुलेशन बनाई भी जैसे लिक्विडेशन, फास्ट ट्रैक, वॉलेंट्री लिक्विडेशन, तो ये सारी रेगुलेशंस, IPA किस तरीके से काम करेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की रेगुलेशंस, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की रेगुलेशंस, वो सारी रेगुलेशन बनाने की पावर हमने फ्रेंड्स दी बोर्ड को। फ्रेंड्स इसके बाद आता है सेक्शन 240A एप्लीकेशन ऑन MSME। MSME पे ये कोड किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, ये सेक्शन 240A बाद में एक्ट हुआ 2018 में।
एमएसएमई में कहा गया क्लॉज सी और एच अप्लाई नहीं होंगे। क्लॉज सी में एनपीए होने की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन है, पर्सनल गारंटर एच में आ जाते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, उनको भी डिस्क्वालिफाई किया गया। सो ये एमएसएमई पे अप्लाई नहीं होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकती है कि कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे और कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और किस फॉर्म में होंगे, उसको मॉडिफाई भी कर सकती है। और जो भी नोटिफिकेशन होगी वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी, 30 डेज के अंदर अंदर अप्रूव कराएगी बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और सेक्शन 241 में जो रूल्स और रेगुलेशंस हमने बनाए थे वो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो भी पार्लियामेंट से अप्रूव कराने पड़ेंगे 30 डेज के अंदर अंदर अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो। सेक्शन 242 में बात की गई पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, अगर कोई डिफिकल्टी अराइज हो जाती है ये कोर्ट जो है इसकी वजह से, तो 5 साल का इसमें टाइम दिया गया, 5 ईयर्स का टाइम दिया गया, 5 साल के अंदर अंदर कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इसको रिमूव कर सकती है और इसमें बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा कुछ भी इशू करते हैं तो। इसके आगे आते हैं सेक्शन 243 रिपील ऑफ सर्टेन एनैक्टमेंट। सो ये सारे के सारे एक्ट्स, क्योंकि फ्रेंड्स पहले आईबीसी आने से पहले प्रेजिडेंसी डाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट जो कि कुछ स्टेट्स के लिए बना था 1909 में आज़ादी से पहले दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटीज़ वगैरह के लिए, उसके बाद प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी 1920 में आया था और आज तक वही चल रहा था, वही घिसे पिटे कानून हम चला रहे थे, तो इनको रिपील कर दिया गया। लेकिन ऐसा कहा गया कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स पहले से ही पेंडिंग चल रही हैं तो उस या कोई पेनल्टी किसी के ऊपर लगने वाली है इन एक्ट में तो वो रहेंगी, ये एक्ट्स नई एप्लीकेशन के लिए रिपील हो गए, जो पुरानी चल रही हैं वो शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड अंडर दी अबव एक्ट्स, तो वो हो सक कंटिन्यू रहेंगे। फिर फ्रेंड्स कहा गया 244 में ट्रांजिशनल प्रोविजन, सो बोर्ड जब तक नहीं बनाएगा फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर मैनेज करेगा और जब बोर्ड बन जाएगा वो पावर पास ऑन हो जाएगी। फिर सारे के सारे अमेंडमेंट्स हैं पार्टनरशिप एक्ट्स में, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, कस्टम एक्ट्स, सो सारे के सारे। इसीलिए फ्रेंड्स हमने इस एक्ट को आईबीसी को एक्ट ना कह के हमने कोड कहा, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे के सारे अमेंड कर दिए एक्ट्स, जैसे रिकवरी ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंस एक्ट 94, सिक्योरिटाइजेशन, सारफेसी, सिक्सिका ये हमने रिपील कर दिया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट्स हमने अमेंड करे और इसके पीछे हमारे शेड्यूल आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल में हमारा कहा गया अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप एक्ट, सेकेंड शेड्यूल में सेंट्रल एक्साइज की अमेंडमेंट, इनकम टैक्स की अमेंडमेंट, कस्टम एक्ट की अमेंडमेंट और रिकवरी ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम, जिसमें DRT कॉन्स्टिट्यूट हुए थे तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे DRT को IBC में, तो उसके लिए अमेंडमेंट की गई रिकवरी ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम बैंक्स में। फाइनेंस एक्ट 94 में 7th शेड्यूल में हमने कहा सारफेसी में अमेंडमेंट, सिका जो है हमने रिपील कर दिया, 9th शेड्यूल में हमने सेटलमेंट सिस्टम्स की अमेंडमेंट करी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 11th में कंपनीज एक्ट और लास्ट में आता है हमारा 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में हमने कहा कि ये जो स्पेसिफाइड एक्ट्स हैं, अगर इनमें आपने सेक्शन 29A में हमने बात करी थी कि इन एक्ट्स में अगर आपके अगेंस्ट 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है तो आप डिसक्वालिफाइड हो एज ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, तो ये सारे के सारे एक्ट्स आ जाते हैं उसमें। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा होता है ख़त्म IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे CIRP रेगुलेशंस के बारे में जो कि बोर्ड ने बनाई है, जहां पे एप्लीकेशन लग जाती है 7, 9 और 10 में और कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, तो हम IBC में पढ़ ही चुके हैं उसके बारे में, अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होती कैसे है, किस तरीके से कोलेट करता है IP क्लेम्स को, IRP RP कैसे बनता है, कमेटी की मीटिंग्स कैसे होती हैं और रेजोल्यूशन प्लान कैसे आता है, कैसे इवेल्यूएशन मैट्रिक्स बनता है, कौन सा प्लान अप्रूव करना है, कमेटी कैसे डिसाइड करती है, कितने वोट शेयर चाहिए, कितने दिनों में कंप्लीट करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में, हम बात करेंगे CIRP रेगुलेशंस। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।